हम लोग बात करने वाले हैं WPS के बारे में। WPS क्या होता है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आज मैं एक वीडियो में बात बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक संजय में। चलिए WPS क्या होता है ये पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए WPS इज द फॉर्मल रिटेन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द वेल्डिंग प्रोसीजर विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर्स फॉर मेकिंग द साउंड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। WPS इज रिक्वायर्ड टू द इंश्योर ए स्टेबल वेल्ड्स, मीन्स ये एक प्रकार का फॉर्मल रिटेन डॉक्यूमेंट्स है जो अपने को ये बताने ये अपने को ये डिस्क्राइब करता है कि हम लोग को कौन से डायरेक्शन में वेल्डर को या वेल्डिंग ऑपरेटर को अपने वेल्डिंग को किस कैसे करना है और किस किस बेस पे करना है, इसके बारे में ये इंश्योर करता है। जैसे कि जो कोड में एसएमई कोड एसएमई सेक्शन 9 के हिसाब से जो कोड है उसके हिसाब से ये फॉलो करवाता है। और ये WPS ये भी इंश्योर करता है स्टेबल ऑफ वेल्ड को भी इंश्योर करता है। चलिए ये वीडियो में और WPS के बारे में और जानते हैं, इसका यूज़ क्यों हम लोग करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। चलिए WPS में क्या क्या, अगर मान के चलिए हमको WPS मिल गया, उसमें आपको क्या क्या रिटर्न रहेगा, किससे किससे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए फर्स्ट में देखिए, ये मैं ऐसा लिखा हूँ, कंपनी नेम आपका लिखा रहेगा, अगर जिस भी कंपनी में हैं आप वो कंपनी का नाम लिखा रहेगा, उसका डेट कौन सा डेट को ये WPS एस्टेब्लिश हुआ वो भी लिखा रहेगा, कौन से टाइप की किस्त हम और मैनुअल मार रहे हैं, आप मैनुअल वेल्डिंग मारने वाले हैं तो मैनुअल लिखा रहेगा, और ऑटोमेटिक आपका वेल्डिंग मशीन है तो ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन है तो ऑटोमेटिक मारेंगे। चलिए क्लाइंट कौन सा क्लाइंट आपका है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन नंबर आपका क्या है वो भी आपको आपको देखना पड़ेगा, और सपोर्टिंग PQR नंबर। चलिए PQR के बारे में बता दूँ, PQR एक एक प्रकार का, जैसे हम लोग WQT करते हैं ना, जैसे WQT बहुत लोगों को WQT भी नहीं मालूम होगा तो सुन लीजिए, WQT एक जब भी वेल्डर नया वेल्डर आएगा ना उसको हम लोग एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसका उसमें टेस्ट क्वालिफाई करवाते हैं, और उस टेस्ट कूपन वो वेल्डर वेल्डिंग मारता है ना वो टेस्ट कूपन RT में भेजते हैं, RT में क्वालिफाइड होता है आफ्टर वो टेस्ट कूपन को हम लोग लैब में भेजते हैं, वहाँ से लैब से आपका वेन टेस्ट नेक टेस्ट टेस्ट है जो करके वो मटेरियल वापस आता है, और उसका रिपोर्ट भी साथ में आता है, उसको वो रिपोर्ट हम लोग को नेक्स्ट PQR में का रिपोर्ट नंबर डालना पड़ता है। चलिए वेल्डिंग प्रोसीजर आगे दिया है, वो क्या है, अगर आप आर्गन प्लस आर्क वेल्डिंग मार रहे हैं तो उसमें आपको GTW प्लस SMW लिखा रहेगा। फिर GTW के बारे में बता दूँ, GTW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, और SMW मतलब सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। चलिए और ज्वाइंट्स, और SME सेक्शन 9 में पैराग्राफ 402 आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो इसमें आपको ये डिटेल आपको मिलेगा। चलिए 70 प्लस प्लस माइनस 5 mm प्लस करके इसका विवल एंगल आपका इतना होना चाहिए, रूट गैप है 2 mm टू 3 mm तक होना चाहिए। और चलिए इसमें और जानते हैं इसमें क्या कर दिया है, ज्वाइंट डिस्क्रिप्शन एज पर ड्राइंग बैकिंग विथ बैकिंग, और बैकिंग आप कर रहे हैं तो बैकिंग है रूट स्पेसिंग 2 to 3 mm फॉर बट वेल। चलिए हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में तो जान गए, फिर बेस मेटल, और ये पैराग्राफ 403 में आपको ये भी आपको मिलेगा, पी पी नंबर मतलब पैरेंट नंबर
ग्रुप नंबर 1 या 2 रहेगा, स्पेसिफिकेशन, टाइप ऑफ ग्रेड, यूनिट नंबर, जिसे आप कौन सा ग्रेड का मटेरियल आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, उसका थिकनेस क्या है, उसका क्या रेंज है, उसका मटेरियल कोड क्या है। जैसे देखिए इसमें SA106 GRB APL 5L 60 PSL 2 एंड इक्विवेलेंट मटेरियल मैं इसमें यूज़ किया हूँ। गाना वो कितना रेंज से कितना रेंज तक वो वेल्डिंग मार सकता है, वो भी ये WPS में से आपको देखने को मिल जाता है। जैसे देखिए इसमें 5 mm टू 73.06 mm तक ग्रू वेल्ड का इसमें जो थिकनेस रेंज है, इतना mm तक वो ये WPS से और वेल्डर क्वालिफाई होता है वो इतना रेंज तक वेल्डिंग मार सकता है। चलिए मैक्सिमम पास थिकनेस मीन्स ये एक तरह से जैसे हम लोग फुल टिक जो मारते हैं ना 30 mm तक, लेस देन 30 mm तक रहता है। फिलर मेटल के बारे में जानते हैं। चलिए ये पैराग्राफ SME सेक्शन 9 में 404 में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए प्रोसेस GTW SMAW, ठीक है। स्पेसिफिकेशन SFA, इसमें GTW में 5.18 रहता है और SMAW में 5.1 रहता है, और AWS नंबर, जैसे हम लोग इसमें कौन सा फिलर यूज़ करते हैं और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे इसके बारे में इसमें बताया जाता है। जैसे देख ER70S2 हम लोग इसमें फिलर यूज़ करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड ER E7018 यूज़ करते हैं। इसका जो फेरस नंबर है वो इसका 6 होता है और इसका 4 होता है, और इसका ये नंबर 1-1 रहता है। साइज ऑफ फिलर, कौन कौन सा फिलर हम लोग कितना mm तक यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको AWPS में दिखाया जाता है। साइज ऑफ फिलर, जैसे मान के चलिए GTW मार रहे हैं तो उसमें फिलर हम 2.5 और इलेक्ट्रोड 2.5 और 4 mm तक यूज़ कर सकते हैं मेटल प्रोडक्ट फॉर्म में। 2W405 SME सेक्शन 9 में आपको 405 पैराग्राफ में ये आपको मिलेगा। पोजीशंस ऑफ ग्रू ऑल डाल इसमें लिखा है, वेल्डिंग प्रोग्रेशन ऑफ हिल, ओके, ऑर्डर में नील लिखा है, ओके। नेक्स्ट करते हैं फ्री हीट QW406 SME सेक्शन 9 पैराग्राफ 406 आप खोलेंगे तो इसमें आपको ये मिलेगा। फ्री हीट टेम्परेचर मिनिमम एम्बियंट टेम्परेचर, मिनिमम एम्बियंट मतलब जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर रहता है ना उसी को एम्बियंट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फ्री हीटिंग क्यों हमको जरूरत पड़ता है ये इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए फ्री हीटिंग कोई भी मटेरियल को जब हम वेल्डिंग करते हैं उसका थिकनेस जब भी 25 mm से ज़्यादा रहेगा तो हमको फ्री हीटिंग का जरूरत पड़ता है। और ये WPS ये आपको बताता है इसका जो टेम्परेचर जो रेंज है टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। जैसे इसमें देखिए इंटर पास टेम्परेचर मैक्सिमम 250 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम दिया है, फ्री हीट मेंटेनेंस 150 डिग्री सेल्सियस बाई क्वाइल, कंटिन्यूस और स्पेसिफाई हीटिंग वेयर अप्लीकेशन बी टू बी रिकॉर्डेड। देखिए इसमें एक रिकॉर्डर मशीन आता है और उससे हम लोग जो भी टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं। चलिए फ्री हीटिंग तो हो गया, आप वेल्डिंग भी कर लिए, उसके बाद क्या अप्लाई होगा वो भी उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हमको ये ज्वाइंट को जो 25 mm से ज़्यादा थिकनेस का जो ज्वाइंट है जो पाइप है आपको उसको फिर PWST करना है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, ओके। ये पैराग्राफ आपको 407 में मिलेगा SME सेक्शन 9 में। पहले टेम्परेचर रेंज देखिए इसका 620 दिया है, 620 डिग्री दिया है, टाइम रेंज 2 आवर दिया है, हीटिंग रेंज 150 डिग्री दिया है, कूलिंग रेट 150 डिग्री और नील, ठीक है। PWST जब कर देंगे करने के बाद आपको अगर मैं आपको इसमें वेल्डिंग मारना है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट में इसमें रूट मार दिए, ठीक है। आफ्टर सेकंड में आप हॉट पास मार दिए, उसके बाद फिर 3 राउंड मारना है आपको, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, ठीक है, 6, 7, 8, 9, ओके। उसके बाद ये लेयर मतलब जो भी आपको रेनफोर्समेंट है ना वो इसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है, आपको कितना लेयर में एक कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये WPS में मैक्सिमम WPS में ऐसा दे देता है, अगर आपको आपको खुद से भी बनाना है WPS तो आप भी खुद से भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ QW409 की, ठीक है।
इसमें आपको फर्स्ट में कौन सा क्या मारना है, कैसे मारना है और लास्ट में क्या मारना है, इसके बारे में आपको बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक QW409 SME सेक्शन 9 के पैराग्राफ 409 में आपको ये आपको मिलेगा। चलिए वेल पास फर्स्ट में हम रूट मारेंगे, फिर उसके बाद हॉट पास मारेंगे, उसके बाद फिलअप मारेंगे, दो बार फिलअप मारेंगे और फिर लास्ट में कैपिंग मारेंगे, ठीक है। चलिए इसमें आपका क्या क्या कौन कौन सा फिलर कैसे यूज़ कर रहे हैं ये भी इसमें आपको दिखने को मिला है। देखिए फर्स्ट में प्रोसेस में हम GTW यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको ये फिलर यूज़ कर रहे हैं कौन सा, ER70S2। और उसके बाद इसका डायमीटर कितना है, डाया मतलब 2.5, और ये टाइप ऑफ पोलरिटी जो डिसन है, और इसका जो टेम्परेचर जो आर्म्स है मतलब आर्म्स रेंज है वो है 6 से 200 डिग्री तक, वोल्टेज रेंज है 20 to 45 डिग्री तक, और टेबल स्पीड हम लोग अपने से निकालते हैं और या स्टॉप वॉच से भी आप टेबल स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपको हॉट पास मारने में आपको हॉट पास किससे मारना है, SMW मतलब आपको इलेक्ट्रोड से आपको हॉट पास मारना है। इसमें क्या इलेक्ट्रोड यूज होगा, E7018, कौन सा फिर इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे 2.5 का, और DCN होगा इसका रेंज, तो सब जो 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 रेंज होगा आर्म्स एम्पियर्स का वो 6 से 200 डिग्री तक रहेगा। इसका वोल्टेज है 20 to 45 और टेबल स्पीड 35 से 100 के बीच में रहना चाहिए। और चलिए फिलअप में ये सेम है SMW E7018 DCEP 20 to 35 to 120। और कैपिंग में देखिए कैपिंग में आपको SMW E7018 3.15 DCEP 6 to 200 और इसमें जो वोल्टेज का रेंज है 20 to 35 होगा, 35 to 120 आर में नील। चलिए इसमें आपको दिखाया गया है रूट कैसे रूट में क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कौन सा फिलर कितने डायमीटर का फिलर यूज़ करेंगे, कौन सा पोलरिटी रहेगा, कौन सा एम्पियर रेंज में आप इसको मारेंगे, वोल्टेज रेंज क्या रहेगा, टेबल स्पीड क्या रहेगा, इस सब में आपको ये मेरे इसमें दिखाया है। ये आपको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक QW409 में SME सेक्शन 9 के पैराग्राफ 409 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए चलिए ये वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।